दोस्तों, दिन जितना आगे जा रहा है वोडाफोन आइडिया यानी कि वी का हाल उतना ही खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों खैर, आप जानते हो कि वोडाफोन आइडिया बहुत सारे सब्सक्राइबर मंथली खोते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों वोडाफोन आइडिया का इंटरनेट और नेटवर्क का हाल भी बहुत ही खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज एक बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज निकल के आते हैं कि डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वोडाफोन आइडिया यानी कि वी को भेजा सो कॉज नोटिस। तो इधर दोस्तों हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया कुछ कुछ सर्किल के अंदर पूरा तरीके से शट डाउन हो जाए। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज निकल के आते हैं कि आने वाली फ्यूचर में मतलब कुछ साल के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रूली अनलिमिटेड डेटा, मतलब आप अनलिमिटेड डेटा का मजा उठा पाओगे। और उसी के साथ ही है दोस्तों बहुत सारा एक्साइटेड न्यूज आपको जानना है, तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला न्यूज निकल के आते हैं अनलिमिटेड डेटा को लेकर। दोस्तों खैर, आप जानते हो कि इंडिया को डिजिटल करने के लिए और इंडिया को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए इंटरनेट, और दोस्तों इंटरनेट के मदद से हर एक कोई आसानी से आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के लिए दोस्तों एक डेटा सेंट्रिक रिपोर्ट आज हमारे सामने निकल के आते हैं कि इन फ्यूचर मतलब 4 या 5 साल के अंदर अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा वोडाफोन आइडिया यानी कि वी, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल की तरफ से टोटली ट्रूली अनलिमिटेड डेटा, जैसे आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है ऐसा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये भी रिपोर्ट निकल के आते हैं कि ऐसा नहीं कि ट्रूली अनलिमिटेड होगा, मतलब दोस्तों आपको मंथली 1000 GB या 2000 GB या 500 GB ऐसा दिया जाएगा। बाद में जाके आप जितना चाहो उतना मंथली यूज कर सकते हो, और 2G और 3G जो नेट रहेगा वो बिल्कुल अनलिमिटेड रहेगा, और जो हाई स्पीड रहेगा वो आपको 1000 GB, 2000 GB, 500 GB ऐसा ही मिलेगा मंथली। और उसी के साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट निकल के आते हैं सैमसंग की तरफ से। खैर दोस्तों, आप जानते हो कि सैमसंग का मोबाइल कैमरा बहुत ही अच्छा खासा काम करते हैं, और साउमी यानी कि मी जैसा मोबाइल सैमसंग का ही सेंसर और सैमसंग का ही कैमरा लेंस को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इधर सैमसंग ने सोचा नहीं, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो लॉस हो रहा है, तो इसके लिए सैमसंग कैमरा अब बनाएगा ओलिंपस नाम का एक कंपनी जो मेड इन जापान कंपनी है। खैर दोस्तों, आप जानते हैं कि ओलिंपस जो कैमरा होता है ना, जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा के जगत में अभी भी नंबर 1 है और मेड इन जापान है। उसके बाद आता है निकॉन, कैनन ऐसा कंपनी और सोनी वगैरह ऐसा कंपनी आता है। लेकिन दोस्तों सैमसंग इधर ओलिंपस को देने जा रहा है जो उसका शेयर है, देने जा रहा है, और ओलिंपस सैमसंग के लिए खुद उसका कैमरा बनाएगा। इधर दोस्तों आप बता दीजिए कि आपने सैमसंग का कैमरा एक्सपीरियंस किए हो, कमेंट्स में मेंशन करके जरूर बता देना। और दोस्तों लास्ट न्यूज निकल के आते हैं वोडाफोन आइडिया यानी कि वी के तरफ से। दोस्तों डॉट ने फोकस कर दिया वोडाफोन आइडिया यानी कि वी को, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया यानी कि वी ऐसा अभी लॉस मेकिंग कंपनी हो गया है कि उसका लाइसेंस फीस ही नहीं चुका पा रहा है। और दोस्तों ये जो लाइसेंस फीस होता है ना दोस्तों, एरिया बेसिस पे होता है। और दोस्तों इधर डीओटी की तरफ से ये न्यूज निकल के आते हैं कि वोडाफोन आइडिया यानी कि वी बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा सर्किल के अंदर कोई भी लाइसेंस फीस फिलहाल Q4 सेशन में नहीं चुकाया। और इसके लिए दोस्तों डॉट ने एक शो कॉज नोटिस भेजा है, जिधर दोस्तों वोडाफोन आइडिया को ये लाइसेंस फीस देना था 25 मार्च 2021 के अंदर, लेकिन दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने तो नहीं चुकाया। डॉट ने इधर कहा कि 12 अप्रैल के आगे आपको चुकाना होगा, नहीं तो नहीं और एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको इधर लग सकता है। इधर दोस्तों आप बता दीजिए, क्या अभी भी आप वोडाफोन आइडिया पर है या वोडाफोन आइडिया को छोड़ के एयरटेल, जियो, बीएसएनएल ऐसा कुछ कंपनी के साथ अभी जुड़ गए हो, कमेंट्स में मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।